जिले में बच्चे के साथ हुई अभद्रता। जिला गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में स्थित सेंट मैरी स्कूल पर गंभीर आरोप लगा है। यहां पर अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया है। 15 दिन से बच्चा जा रहा है स्कूल, एक तो मैडम इसे बहुत मार रही हैं, और सेंट मैरी गाजियाबाद शास्त्री नगर। क्या मामला है? बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, बच्चों के मतलब कपड़े वपड़े सब उतार दिए हैं, उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट है। आपका बच्चा कौन सा है? LKG D। ये आपको कैसे पता लगा मामला? बच्चा घर आया था, उसने पैंटी नहीं पहन रखी थी और वो कह रहा था मेरे पेन है, सुसुआरी पेन है, तो मैंने उसे चेक किया तो उसके निशान थे। मैं उसे डॉक्टर के लेके गई, डॉक्टर ने कहा है पेंसिल या स्केल का यूज हुआ है। सारा दिन बच्चा रोया है, पूरे दिन रोया है, मैं पूरे दिन पेन में रहा है। बच्चा क्या लगता है? मैं उसकी मम्मी हूँ। मेरा नाम सुशांत गुप्ता है। मामला यह है कि कल मेरी बेटी को काफी मारा गया टीचर ने, सेंट मैरी ये शास्त्री नगर डी ब्लॉक में है। मामला यह है कि काफी मारा गया मेरी बच्ची को कल, टीचर ने मारा है और जो आंटी होते हैं इनकी माई, उन्होंने ही मारा है उस बच्चे को। कल बच्चे ने वॉमिटिंग करी तो उसको कपड़े उतार दिए गए हैं, उसको नंगा बैठाया गया क्लास के अंदर काफी देर तक। जब बच्चा घर गया है तो ना उसने पोटी पैंटी पहन रखी थी, ना सॉक्स पहन रखी थी, और काफी मारा गया बच्चे को। आज हम सुबह पेरेंट्स आने लगे तो गार्ड ने हमारे को अंदर घुसने नहीं दिया, मारने की गार्ड रख के मारने के लिए हमारे को गाली गलौज काफी करी गई है हमारे से। ये आया था प्रिंसिपल, हमें मिलने नहीं दे रही, प्रिंसिपल थी यहाँ पे, अब मिलने मौजूद नहीं है। गार्ड ने तो आज भी राइफल कान नहीं है, बताओ। थाना कविनगर के एक निजी स्कूल में एक पेरेंट द्वारा ये शिकायत करी गई कि वहाँ पे एक लेडी टीचर हैं, उनके द्वारा उनके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस संबंध में जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पे कार्रवाई की जाएगी।